हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रोडजी। दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ JSW की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जिंदल स्टील प्लांट में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो 2022 वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ फ्रेशर्स की तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। फ्रेशर्स से लेकर एक्सपीरियंस तक वाले यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। परमानेंट जॉब रहने वाला है दोस्तों, ऑल इंडिया एलिजिबल रहने वाले हैं। डिप्लोमा बीए बीटेक वाले के लिए ये जॉब पोस्ट आई है। पोस्ट में इंजीनियर्स की पोस्ट रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, इससे पहले कहेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ गूगल पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे गूगल पे जैसे ही टाइप करेंगे JSW स्टील टाइप करने पे यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है www.jsw.in का जो JSW का पहला ही वेबसाइट है ये JSW स्टील दिखा हुआ है। इसके नीचे आप देखेंगे कैरियर विथ अस। तो दोस्तों, इस वाले पे हमें क्लिक करना है। कैरियर विथ अस पे जैसे ही क्लिक करेंगे फर्दर इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कंपनी का डिस्क्लेमर नोटिस है टू होम ओवर इट मे कंसर्न। दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इसका जो कंसर्न है। तो दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं जॉब की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे नीचे जैसे ही स्लाइड करेंगे आप तो आपके सामने ये देखेंगे लिखा हुआ है सी ओपनिंग्स एट JSW। ये देखिए मेरा कर्सर वहां पे ब्लिंक हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप फर्दर इसके नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे जहां पर इसकी जॉब की वैकेंसी निकल रखी है। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे स्लाइड करके देखेंगे 14 रिजल्ट आई हुई है और ये जॉब जो पोस्ट हुआ है वो 25 मार्च 2022 का पोस्ट हुआ है। लेटेस्ट ओपनिंग आई है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की जो रोल रहने वाली है ये बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। यहाँ पे डिप्लोमा बीए बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट CSR रहेगा। लोकेशन विजयनगर विद्यानगर कर्नाटका इंडिया के लिए आया है। दोस्तों, यहाँ पे प्रोग्राम लीड के लिए ये दोस्तों एक्सपीरियंस वालों के लिए है। फील्ड इंजीनियर ये भी एक्सपीरियंस वालों के लिए है। शिफ्ट इंचार्ज में मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों, ये वाली जॉब भी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में रहने वाली है। तो हम बात कर लेते हैं जो फ्रेशर्स जॉब यहाँ पे निकल रखी है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे फर्दर इसका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे देखिए लिखा हुआ है ये डिपार्टमेंट जो CSR जनरल का रहने वाला है, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का रहने वाला है जॉब रोल और 25 मार्च की ये आई है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप देख सकते हैं स्टाफ और एक्सपीरियंस देख सकते हैं। यहाँ पे 0 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा करना क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मैनेज कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑन ऑल प्रोग्राम एंड फंड यूटिलाइजेशन मैनेज प्रोग्राम रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोजिटरी। दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे पढ़ लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट जॉब की तरफ। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट जॉब निकल के आ रही है वो शिफ्ट इंचार्ज क्वालिटी की निकल के आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे शिफ्ट इंचार्ज क्वालिटी की जो जॉब रहने वाली है ये भी 24 मार्च की निकल के आई है। यहाँ पे देखिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो दोस्तों, जॉब लोकेशन पुणे रहने वाला है। डिपार्टमेंट क्वालिटी की रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो यहाँ पे आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल मेटलर्जी वाले मांगा गया है। तो दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए हम वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की जॉब को हम बताएंगे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप पहले ही JSW पे क्लिक अप्लाई कर चुके हैं या आप रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे बस आपको ईमेल ID और पासवर्ड डालना है। फर्दर इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको फिलअप करके आप सबमिट कर दीजिएगा। नहीं तो आप नए यूजर हैं तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है डोंट हैव एनी अकाउंट, तो साइन अप पे क्लिक करके फिर से अपना ये बना लीजिएगा। ईमेल ID, क्रिएट पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, या तो आप लिंक्डइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही ज्वाइन होंगे आप साइन इन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।